अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी आपका भाई पहुंच गया है सियालकोट एयरपोर्ट पे, क्योंकि आपके भाई का अमेरिका का वीज़ा हो गया। अभी भाई ने बैठना है जहाज़ पे और सीधा अमेरिका में अमेरिका में लैंड करेगा भाई। तो भाई को मुबारकबाद दीजिए। अभी मेरे अमेरिका में व्लॉग्स आएंगे, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलस और पता नहीं कौन कौन से शहर हैं। चल झूठा। और मुझे पता है कुछ लोगों को खुशी भी हुई होगी और कुछ लोगों को जलन भी हुई होगी। तो जलने की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई आपका लेना है अपने चाचू को सियालकोट एयरपोर्ट से। अमेरिका का भी जाएंगे, अमेरिका भी जाएंगे। अगर आप मुझे अमेरिका में देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। कमेंट भी किया करें और लाइक भी लाजमी किया करें। तो साथ साथ ये भी बता चलो कि हम अफ्तारी कार के ना तो निकल आए थे एयरपोर्ट के लिए, तो तकरीबन 3 घंटे लगे हमें और मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो ज़्यादातर जो भी आते हैं ना इंग्लैंड से रिलेटिव्स, अंकल वगैरह जब भी आते हैं तो वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आते हैं, और इस बार वो सियालकोट में लैंड करेंगे। और मेरे मुताबिक भी ना सियालकोट का जो एयरपोर्ट है वो भी काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे रश भी काफ़ी कम है और यहाँ पे जो टिकट है ना वो इस्लामाबाद से सस्ता पड़ता है। तो यही रिकमेंड है कि अगर आप के रिलेटिव या आप भी अगर ख़ुद ट्रैवल करें तो सियालकोट से अगर अपना टिकट करवाएँ इस एयरपोर्ट से, यहाँ पे लैंड करें, यहाँ से आपने जाना है जहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ से सस्ता पड़ जाता है। तो जब 12 हो चुके हैं तो 2:30 बजे फ़्लाइट लैंड करेगी। तो पापा भी अभी गाड़ी में वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं थोड़ी सी रेस्ट कर लें और फिर सहरी का भी टाइम हो जाएगा। और अभी ईशा की नमाज़ भी पढ़नी है तो जगह ढूँढते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, जगह भी ढूँढते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर नमाज़ पढ़ के फिर वक्त हो जाएगा, कुछ खाए पियेंगे अभी। तो ये अभी मैं मस्जिद में आ गया हूँ, यहाँ पे लिटरली कोई भी नहीं है फ़िलहाल इस वक्त। तो अभी सफ़र करके आए काफ़ी ज़्यादा, सो 4 फर्ज ही पढ़ने, तो वुज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाहु 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 अल्लाहु। तो जी फाइनली चाचू आ चुके हैं। मैं सोया हुआ था और उठ के गया हूँ तो चाचू को मैं रिसीव करके ले आया हूँ, और पापा वहीं पे चाचू का वेट कर रहे थे तो मैं इनको दोबारा लेके आया हूँ। तो इस वजह से मैंने चाचू को कहा कि मुझे दोबारा मिला है। One hour later. तो ये अभी टाइम हो गया सहरी का भी, और अभी हमें एक होटल मिला है, बाकी होटल भी 2-3 चेक किए लेकिन वहाँ पे सिर्फ चाय और वो दाल चना थी। तो यहाँ पे अभी पराठे शराठे लग रहे हैं, चेक करें आप। ओ पराठे चल सन आज। चलो ठीक है, बाबा जी मार रहे हैं फोन। तो जी क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं यार, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। तो जी हमारे पास आ गया है चिकन कौरमा और पलन वाला पाकिस्तानी रोटी का। तो वाला कौन है जाजा? ठीक है, भूख लगी है जी। हम चल सी राय जी लगाएं चुस्की, बताएं जायका। ये देखे जी कपियां। ये मैं तो कस्टर्ड पिया ने, 4-5 नहीं होने एक पेज आने प्याले। चलो चल सी फिर मंगा ले साहब। तो ये हमारा नाश्ता हो गया है डन, यहाँ पे हमने नाश्ता कर लिया। हाथ मेरे अभी भी भरे हुए हैं ऑयल से, काफी ऑयल थे, पराठे वगैरह खाए आलू वाले, तो नाश्ता अच्छा। One hour later.
तो जी सुबह के 5:15 हो चुके हैं और यहाँ पे अभी हमने नमाज अदा की है फजर की। तो अभी हम पहुँच गए हैं लाला मूसा, तो यहाँ से हमने निकलना है अब घर की तरफ, अब नॉन स्टॉप घर पहुँचना है। तो अब आपसे मिलेंगे घर जाके, और अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ्रेश हूँ, रात का ड्राइव कर रहा हूँ, तकरीबन 1 घंटा मैं सोया था गाड़ी में, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक से फ्रेश हूँ मैं। तो चाचू अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं, तो वो आए तो फिर हम निकलते हैं। 3 hours later अभी हम मौजूद हैं मीरपुर मंडी में, तो सोचा कि घर जाने से पहले हम ले लें सामान, फ्रूट वगैरह सब्ज़ी वगैरह अफ्तारी के लिए। अभी फ्रूट वगैरह सब्ज़ी वगैरह लेंगे और चाचू को कहा कि गाड़ी में रेस्ट करें, तो वो ले के अब हम फिर निकलेंगे घर की तरफ। जी तो अभी पापा देख रहे हैं कि क्या क्या लेना है और रेट्स वगैरह कंफर्म कर रहे हैं। सुबह के 8 बज चुके हैं और मंडी में आप रश चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रश है और यार हर चीज़ महंगी हुई हुई है काफ़ी ज़्यादा। अब तो फ्रूट भी आम आदमी के पहुँच से बाहर होता जा रहा है। चलो अल्लाह पाक खैर करे। पापा अब रेट्स कंफर्म कर रहे हैं सारे, हर चीज़ के रेट वगैरह पूछ रहे हैं, फिर आखिर में जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो फिर हम ले लेंगे। फ्रूट में हमने ले लिया स्ट्रॉबेरी, सेब, तरबूज और बाकी चीज़ें पापा ले जाएंगे, फिर हम निकलेंगे घर की तरफ। पहले बहुत लेट हो चुके हैं और बहुत थकावट हो गया है, पूरा रात सोए नहीं, अभी तक नींद भी नहीं पूरी हुई, तो घर जाके फिर नींद भी पूरी करनी है, सोएंगे भी। अल्लाह।